अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम यासिर है और हेल्थ टेक इन्फो से बात कर रहा। अरे वो अपने पड़ोस वाले मिश्रा जी हैं ना, उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। ऐसी ऐसे मिलती जुलती बात आपने जरूर सुनी होगी, पर 3D एनिमेशन से आज ये समझेंगे कि अपेंडिक्स के ऑपरेशन होने के पीछे की साइंस क्या है। देखो, ये अपेंडिक्स है जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के शुरू होने से जस्ट पहले और स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड पर होता है। आई एम श्योर आपको ऐसा लगता होगा कि अपेंडिक्स एक फालतू सा ऑर्गन है, मगर ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी में ये अपेंडिक्स एक 5 से 10 सेंटीमीटर लंबी थैली जैसा होता है और अगर इस तरह रप्चर हो जाए तो आपकी जान तक जा सकती है। समझो कैसे। देखो, यहाँ अपेंडिक्स में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने से WBCs के कारण इस अपेंडिक्स के टिश्यूज ग्रो करते हैं और ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। ये ब्लॉकेज यहाँ फीकल मैटर फंसने से भी हो सकता है। अपेंडिक्स की इनर लेयर इस तरह म्यूकस रिलीज करती रहती है ताकि कोई पैथोजन या बैक्टीरिया आपके ब्लड में ना जा सके, मगर इस ब्लॉकेज की वजह से यहाँ रिलीज हुआ म्यूकोसल मैटर इकट्ठा होकर आपको असहनीय दर्द देता है। अब अगर आपकी इन्फेक्टेड अपेंडिक्स हटाई नहीं गई तो अपेंडिक्स रप्चर होने से ये फंक्शन आपकी पूरी एब्डोमेन में फैल जाएगा और तुरंत इलाज ना मिलने पर इन्फेक्शन फैलने से इंसान की मौत भी हो सकती है।